आए थे और उसमें मुखिया ने कहा था कि जब भी उस क्षेत्र में चाहे कोई भी हो यहाँ ना कोई समाज की बात होती है यशपाल भैया के पास। मैंने ये देखा एक बार, मैंने रात के 12 बजे फोन लगाया तो यशपाल भैया ने कहा सुमित भाई आधी रात के बताइए क्या बात है। हमारे बदाम सिंह रजक जी का मैटर था तो भैया ने उसी समय तत्काल काम किया और कहा कि सुमित भाई ये समाज के लिए काम नहीं करूंगा, हर समाज के लिए काम करूंगा और समाज के टीचर पहले हर समाज आगे ले जाएगी, समाज मेरे साथ तो है लेकिन समाज का तो हर कोई करता है। लेकिन मैं वो व्यक्ति हूँ कि सुमित भाई आधी रात को पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बात कर लो तो यशपाल भैया अगर किसी के पास पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं हो तो हर व्यक्ति को मदद देते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी क्षेत्र का भी हो, चाहे अपनी विधानसभा का हो चाहे ना हो। लेकिन मैंने ये देखा है जब भी कोई हमेशा बात करते हैं लेकिन कुछ लोग आते हैं, मैं आज इस मंच के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग भी आना आते हैं लोगों के बीच। नहीं ये हमने कह रहा है आप लोगों से नहीं निकल पा रहे, बात हम कहते हैं कसम हनुमान जी की खाते हैं कि लोग जब बात करते हैं तो लोग इतने प्यार से बात करते हैं कि लगता है कि यशपाल भैया को भूल जाओ और अगले किसी व्यक्ति को एक से एक आते हैं उनको चाहने लगो। लेकिन अगर सच्चाई पता की जाए, एक बार सोचना के लिए सच्चाई पता की जाए कि ऐसी वो शख्सियत कौन है उस बुंदेलखंड में कि लोगों की जान बचाने का काम कौन करता है, आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव। चाहे किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो आधी रात की मदद की जरूरत पड़ती है तो वो मदद देने का काम करते हैं। चाहे किसी भी कोई मुसीबत में खड़ा हो, मैं मानता हूं कि जब जब भी मुसीबत इस क्षेत्र पर आई तो माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी ने मदद देने का काम किया है और उनके सुपुत्र इस बबीना विधानसभा के लाल लालों के लाल है और दुश्मनों के काल है। इस बात को भी नोट कर लो, लालों के तो लाल है और दुश्मनों के काल है, इसलिए आदरणीय हमारे बीच में आज भैया यशपाल हैं। तो आज हम समझते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा और मैं बड़ों के चरणों में बार बार सर झुकाता हूँ, पैर छूता हूँ इसी मंच के माध्यम से और युवा साथियों से जो मेरे साथी हैं मुझसे छोटे हैं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात कहता हूँ कि जैसा आप मेरे साथ हो और खड़े रहना। यदि मैं कभी भी इस मंच के माध्यम से लोग ये भी कहते हैं कि समाजवादी में लोग खराब हैं, यदि जिस दिन हम या हमारे यशपाल भैया कोई गलत काम करने लगे तो आप बिल्कुल साथ में नहीं रहना है ना, आपके हत्तर बच्चे आएंगे। यदि हम कभी भी कोई गलत रास्ता पे चले तो हमें कहते हैं लोग कहते हैं कि वो इस क्षेत्र में आए तो फलाना आदमी उसका खास है, लेकिन वो आदमी जो नहीं समझता है तो उसने दिन और रात एक कर दी। हम मानते हैं कि अगर बबीना विधानसभा में कोई कार्यक्रम कराने में बात हो, कोई धर्म कराने में बात हो, कोई रैली कराने में बात हो तो अगर ये चाचा जगधन सिंह यादव के मुकाबले इस विधानसभा में कोई कार्यक्रम नहीं कराता है। और मैं मानता हूँ जब जब भी कोई कार्यक्रम कराए आज तक पूरे मंडल की इस मीटिंग थी 2014 में इंडिया तेगला पर जिसमें बबीना विधानसभा के सारे लोग और मंडल के लोग जुड़े थे बहुत दूर दूर से और एक तक की भी बसें आई थी इंडिया तेगला पर। वो कार्यक्रम आदरणीय चाचा जगधन सिंह यादव जी ने किया था, इसके मुख्य आयोजक उसके मुख्य थी डॉक्टर चंद्रकांत सिंह यादव जी थे। तो हम मानते हैं चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, अभी हम बरुआ सागर गए तो लोग कहने लगे कि भैया यहाँ तो बहुत आ रहा है।